بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे मेहमान हैं हज़ारों दिलों की धड़कन और द एवर हैंडसम इमरान खान। कैसे हैं आप इमरान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मीना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस इंट्रो का। ये इंट्रो सुन के मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो। आप इतना गम क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप अभी भी जवान हैं। बहुत शुक्रिया मीना। ये कौन आए हैं आपके साथ? आपकी पार्टी के कोई मेंबर है? नहीं, ये मेरे पार्टी के मेंबर नहीं है। ये हमारे मुल्क के 70% आवाम है, मेरा वोटर है, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान खान। शाबाश शाबाश। ये अच्छा, आपके वोटर हैं? बिल्कुल आपका जी। आपका क्या ख्याल है इन जैसे यूथ के बारे में? आपको देखिए मीना, लीडर कहा जाता है जी। देखिए मीना, आज का जो हमारा यूथ है ना, बहुत मम्मी डैडी है। हालत देखिए इसकी, हालत देखिए। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मैं गर्मी में खराब हो जाऊंगा। हालत देखिए, कोई खाक लड़की पटनी इससे। लेकिन मैं ये नाइंसाफी नहीं उन्हें दूंगा। मैं ऐसे नौजवानों को खुद ट्रेनिंग दूंगा कि किस तरह सेटिंग की जाती है। सेटिंग? ये किस सेटिंग की बात कर रहे हैं आप? मीना मीना मीना, कितनी मासूम बन रही हैं आप। मैं तो समझता था पाकिस्तान में मैं ये डेयरिंग आदमी हूँ, आपने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ISI को भी नहीं छोड़ा। मैं जिस चीज़ को एक दफ़ा पकड़ लूँ उसकी जान लेकर ही छोड़ दी। अच्छा इमरान, मुझे एक चीज़ पूछनी थी, आप आगे हो जाए ना। हाँ, तो ये जो आपकी पार्टियों में इतना हंगामा होता है, माय गॉड, मैं तो टीवी में देख रही थी और मैं तो बेहोश होने वाली थी देख के। सब क्या है मीना? मीना मीना, देखिए देखिए मीना, प्लीज बेहोश मत होइएगा। ऐसे भी हमारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। मुल्क के हालात देखें, अगर आपको कुछ हो गया इस मुल्क का बहुत बड़ा टाइम पास जाया हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा इस मुल्क की आवाम को। ये मुल्क के हालात पर मुझे याद आया कि ये आप हर वक्त नवाज शरीफ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ओफो, किसका नाम ले लिया आपने? ये उस गंजे की क्या बात कर दी आपने? देखें देखें देखें, मैं आपको आज बताता हूँ, आज मैं क्लियर करता हूँ एक बात कि मैं क्यों नवाज शरीफ के पीछे पड़ा है। देखें, जब हम जवान थे, खैर मैं तो अभी भी जवान हूँ, वो जब जवान था सर पे उसके बाल थे, एक दिन उसने मुझसे शर्त लगाई कि क्रिकेट के मैदान में उसकी गिल्लियाँ उड़ा के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, और मैं गया, मैंने बॉल पकड़ी, मैंने गेंद डाली, उसकी गिल्लियाँ उड़ा दी। लेकिन आज तक उस गंजे ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो कोई खाक वो अपनी जायदाद डिक्लेयर करेगा, अपने एहसास डिक्लेयर करेगा, क्या करेगा मुल्क का? अरे भाई छोड़े, मुझे आपकी सियासी लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो जल्दी से ये बताइए कि मेरे PTI ज्वाइन करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए मीना, ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। आप ये मुझे पहली बात तो ये बताएं कि आप PTI के लिए ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकती हैं? आपने क्या किया है अभी तक PTI के लिए? कर सकती हूं? मैं कर चुकी हूं। कब? जो मैंने अपने बाजू पे ISI का टैटू बनवाया था, उसका मतलब नहीं पता आपको? इमरान, सिर्फ इमरान। बस मीना बस, अब जो मैं न्यूज देने वाला हूँ दुनिया को हिला के रख देगी। मीना वलिक जो है अब PTI का हिस्सा बन चुकी है। हमारी पूरी पार्टी जवान हो जाएगी, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इमरान खान, इमरान खान। अच्छा इमरान खान साहब, ये बताइएगा कि मीना वलिक की पोजीशन आपने क्या रखी है, क्या उनको क्या पोजीशन देंगे यहाँ PTI में? क्या हो सकती है, ये मेरी पर्सनल स्पोक्स पर्सन होंगी। और अगर मैं ये सही समझू तो क्या ये प्रश का जादू मीना मलिक ने आपके ऊपर जमाया है? मीना का तो नाम ही काफी, जादू की तो जरूरत ही नहीं है। देखे आइए हम मजीद बातचीत करते हैं मीना वलिक से। मीना वलिक से पूछते हैं कि उनके इस वक्त क्या इमोशंस हैं, क्या वो फील कर रही हैं। जी मीना वलिक, मैं तो इतनी इमोशनल हो गई हूँ, ये कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। इमरान थैंक यू इमरान, और बस मीना द पॉलिटिशियन, आई रियली आई एम आई एम आई आई कैन नॉट
आप देख सकते हैं कि मीना वाले किस वक्त इतनी इमोशनल है कि उनसे बातचीत नहीं की जा रही। आइए देखते हैं पीटीआई का आगे क्या फ्यूचर रहता है। हमारे साथ रहिएगा, ये न्यूज याद रखिएगा, 247 ऑनलाइन टीवी ने आपके सामने ब्रेक की है। हम सबसे आगे, सबसे आगे। अल्लाह हाफिज़।